एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मीता मोइत्रा किचन। और आज मैं बनाने वाली हूँ भुने हुए टमाटर की चटनी, जो ठंड की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। सो मैंने यहाँ पे देसी टमाटर जो ठंड में मिलते हैं स्पेशली, वो टमाटर लिया है 3, ये लहसुन की कलियाँ ली हैं 10 और 4 से 5 हरी मिर्च। इन सब को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। देखिए मैं इस तरीके से इसको रोस्ट कर रही हूँ। मुझे टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन दोनों को ही रोस्ट कर लेना है। ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और अब मैं टमाटर के छिलके को उतार लूँगी। इस तरीके से टमाटर के छिलके को हम निकाल लेंगे, जितने भी टमाटर हैं, और लहसुन के भी छिलके को। मिर्च हम ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसे रोस्ट किया हुआ है, एज इट इज़। ये टमाटर मैंने ऑलमोस्ट सारे छील लिए हैं और लहसुन को भी इसी तरीके से छील लेना है और मिर्च मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश हरी धनिया करीब 10 ग्राम। इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। इसमें पीसने से पहले मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक और अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए एक थिक सा पेस्ट रेडी हो चुका है और ये चटनी हो चुकी है एकदम तैयार। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर आप इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा था लेकिन आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।